नमस्कार, कैसे बच्चों आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा इनसाइड आवर अर्थ, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर करना है इसमें फर्स्ट हमारा है, व्हाट आर द 3 layers of the earth। 3 layers of the earth यहाँ पर हमें बताना है कि अर्थ की 3 layers कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि आपकी बुक में कंपेयर किया, अगर हम उससे समझें तो जैसे अनियन होता है, अनियन में क्या आपको लेयर बाई लेयर मिलती है, उसी तरह हमारी जो अर्थ है उसमें भी लेयर बाई लेयर मिलती हैं। अब इसकी 3 layers के नाम अगर बताने हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ऊपर की परत होती है, यानी कि आउटर लेयर जो उसकी होती है उसकी बात करेंगे। आउटर लेयर को कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? आउटर लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट, जो कि अर्थ की सबसे, क्रस्ट जो है वो अर्थ की सबसे थिन लेयर होती है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें कितनी होती है, 35 किलोमीटर। अब आपको लगेगा कि 35 किलोमीटर मतलब हम नीचे जा रहे हैं अर्थ से, तो 35 किलोमीटर इतनी गहराई तक, और इसे कहा जा रहा है कि सबसे ये इसकी एक थिन लेयर होती है। तो हाँ, क्रस्ट जो है वो अर्थ की थिन लेयर होती है जो कि 35 किलोमीटर होती है, क्योंकि उसके बाद की जो लेयर्स हैं वो उससे भी बहुत 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 ज्यादा गहराई में होती है, उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। अभी हम बात करेंगे। तो 35 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 35 किलोमीटर। फिर हम आते हैं मेंटल, मेंटल की बात करें, ये क्रस्ट के बाद वाली लेयर है, यानी अर्थ की सेकेंड लेयर है मेंटल। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो वो होती है कितनी होती है, वो होती है 2900। ये हो गया 35 किलोमीटर, ये हो गया 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसकी थिकनेस, मेंटल की थिकनेस हो गई 2900 किलोमीटर हो गई, 2900 कह सकते हैं। कोर जो है, कोर का केवल रेडियस हम बात करेंगे, कोर का जो रेडियस होता है वो होता है 3500 किलोमीटर, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि ये जो क्रस्ट है वो अर्थ की सबसे थिन लेयर है, क्योंकि इन सब में कितना अंतर है, 35 किलोमीटर और आगे हम देख रहे हैं 2900 किलोमीटर एंड 3500 किलोमीटर जो है वो कोर जो है उसका रेडियस है, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ की 3 layers हो गई, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जब इतना ही है आपका क्वेश्चन 1 नंबर में अगर आ रहा है 3 layers of the earth, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर यही आपका आंसर होगा। डिटेल यहाँ पर नहीं देंगे, फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ये जो है, जो हमारी बाहरी लेयर है आउटर लेयर क्रस्ट, वो सबसे थिन लेयर कही जाती है, ठीक है। आइए अगर हम इस पिक्चर से समझना चाहें तो ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ आपको एक अलग से दिख रहा है, तो ये एक तरह से आपको अर्थ को ओपन करके दिखाया जा रहा है कि उसकी लेयर है, बाकी पूरी अर्थ तो आपको ऐसे ही दिखेगी, बट यहाँ पर क्या है कि अर्थ को ओपन करके आपको लेयर दिखाया जा रहा है। तो ये जो हमारी बाहर की लेयर है, आउटर लेयर है, जिसे कि यहाँ ऑरेंज से शो किया गया है, ये हो गई क्रस्ट, इसके बाद है मेंटल एंड येलो से जिसे शो किया है, इसके बाद ये जो थर्ड हमारी है ये हो गई कोर। अब इसमें आउटर कोर, इनर कोर या फिर आउटर मेंटल, इनर मेंटल, इस तरह से शो कर सकते हैं। फिलहाल अगर 3 layers के नाम है तो वो हमारे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 हो गए, ठीक है। अब जो ये कोर है, कोर में टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। थिकनेस की बात है तो थिकनेस हमने बात कर ली कि ये जो है इसकी थिकनेस सबसे कम होती है जो कि 35 किलोमीटर होती है। मेंटल है, इसकी थिकनेस की बात करेंगे तो इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर एंड कोर जो है उसका रेडियस अगर हम देखेंगे तो वो 3500 किलोमीटर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज अ रॉक, रॉक क्या है, रॉक की बात करें तो अर्थ क्रस्ट जो है, यानी कि अर्थ की बाहरी लेयर है ना, अर्थ का जो आउटर लेयर है उस पे बने हुए नेचुरल मास जो कि डिफरेंट मिनरल मैटर से बने हुए होते हैं, यानी कि अर्थ, अगर हम बात करें कि रॉक क्या है या चट्टान क्या है, तो अर्थ क्रस्ट पर बने हुए कोई भी सॉफ्ट
या फिर हार्ड, सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरह के होते हैं। कोई भी सॉफ्ट या हार्ड जो है बनी हुई रचनाएं जो कि बनी होती है डिफरेंट मिनरल मैटर से, उसे हम कहते हैं रॉक। रॉक जो होता है वो टेक्सचर में भी अलग हो सकता है, साइज में अलग हो सकता है, कलर में अलग हो सकता है। मतलब रॉक जो होता है वो हमने समझ लिया कि डिफरेंट मैटर से बने हुए, डिफरेंट मिनरल मैटर से, डिफरेंट मिनरल मैटर से बने हुए अर्थ क्रस्ट पर बनी हुई जो रचनाएं होती है उसे, चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो, उसे हम कहते हैं रॉक। रॉक क्या होते हैं, उनका टेक्सचर, साइज एंड कलर वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मिनरल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बने हुए हैं, डिफरेंट प्रोसेस से बने हुए हैं, तो उनका हम देखेंगे टेक्सचर वगैरह सब कुछ अलग होगा। अब इसमें ये भी बात आती है कि हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों तरह की रचनाएं, जैसे कि लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, ये सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पर बने हुए मिनरल मैटर से बने हुए नेचुरल मास, उसे हम कहते हैं रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स बताने हैं। फर्स्ट क्या होता है, इग्नियस रॉक, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड जो होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। बात करेंगे हम, अगर एक नंबर में आता है तो इतना ही हमें डिटेल देना है, सिर्फ उसका नाम देना है, बाकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की बात करें अगर हम, तो इग्नियस रॉक्स क्या होता है या कैसे बनता है। इग्नियस रॉक्स जो होता है हमारा, मान लीजिए कोई वॉल्केनो है, ठीक है, ये वॉल्केनो है। अब ये वॉल्केनो क्या होता है, हमें पता है कि वॉल्केनो से लिक्विड फायर रूप में जो मैग्मा होता है, लिक्विड मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है, ठीक है। ये मैग्मा जो होता है वो बाहर आ रहा है, किससे, वॉल्केनो से बाहर आ रहा है। इसे हम और बड़ा कर देते हैं, गहरा, ठीक है। अब ये क्या होता है, लिक्विड मैग्मा जो है ये बाहर आ रहा है, किससे, वॉल्केनो से बाहर आ रहा है। जब ये बाहर आता है, अंदर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर रहता है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है अर्थ पर पड़ता है तो क्या होता है कि ये बहुत ही तेजी से ठंडा होता है और जम जाता है। क्या होता है, ये बहुत तेजी से ठंडा होगा, जम जाएगा, जिससे जो रॉक बनेगी उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक। ये हमारा हो गया इग्नियस रॉक। अब यही कभी चट्टाने जो है गिरकर लुढ़ककर टूट जाती हैं, वेदर हवा पानी की वजह से टूट जाती हैं, तो ये जो जब ये टूट जाती है सेडिमेंट्स में, इनके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्स का रूप ले लेते हैं और फिर वो कहीं पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जो इग्नियस रॉक है इसके पार्टिकल्स कहीं पर जमा होना शुरू हो जाते हैं बाय वेदर, तो क्या होता है कि वो जमा होते हैं और एक के ऊपर एक, मतलब सेडिमेंट्स जो है एक तरह से इकट्ठा हो रहे हैं। अब उन पे प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो आएगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो जम जाएंगे, एक टाइम के बाद वो जम जाएंगे। पार्टिकल्स हैं, अलग अलग है, जम गए, जम के उन्होंने एक रॉक का रूप ले लिया, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं इनमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं, उन्हें जमने में समय लग रहा है, तो जो भी वहां एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं उनकी डेथ हो गई तो वो भी वहां पड़े हैं, उस पर सेडिमेंट्स भी इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो इसी वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं यहाँ पर फॉसिल्स इसमें पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से इनका फॉर्म क्या होता है, चेंज हो जाता है, और इसी चेंज फॉर्म को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। आई होप कि आप समझ गए होंगे तीनों रॉक्स को। तो जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से इनका फॉर्म जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए से कायांतरित या रूपांतरित, मतलब रूप चेंज हो गया या फिर इसकी काया चेंज हो गई, तो कायांतरित या रूपांतरित शैल भी कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से के डिफरेंट, मतलब उसी का डिफरेंट फॉर्म है, मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पड़ने की वजह से एक नया उसका रूप है, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आप समझ लेना, मेटामॉर्फिक रॉक्स इस तरह बन गई, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स जो है वो किस तरह से बनती है। एक्सट्रूसिव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक्सटर्नल हो गया, इंट्रूसिव इंटरनल हो गया, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, ठीक है, बहिर्भेदी
रॉक्स एंड अंतर्भेदी रॉक्स, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड इंट्रूसिव रॉक्स जो है, अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इग्नियस रॉक्स का ही एक पार्ट है कह सकते हैं, या उन्हीं का ही एग्जाम्पल है। इग्नियस रॉक्स का पार्ट है एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, यानी कि इग्नियस रॉक्स जो है उसी को ही हम एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव कहते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट कैसे है, जब ये वॉल्केनो से मैग्मा जो है, लिक्विड मैग्मा बाहर आता है तो बड़ी तेजी से वो क्या होता है, अर्थ पर आकर वो ठंडा होता है और जम जाता है, ठीक। ये क्या हो गया, ये एक्सट्रूसिव, ये इग्नियस रॉक्स है, बट ये क्या, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये एक्सट्रूसिव रॉक्स हो गई, ठीक, जो मैग्मा बाहर आए। कुछ मैग्मा जो होता है वो बाहर नहीं जाता है, ऐसे ही फैल जाता है, ठीक है, इधर वो फैल जाता है। ये मैग्मा है, कुछ तो बाहर निकला, कुछ यहाँ साइड में ही फैल जाता है और वहीं वो ठंडा होता है। जो बाहर निकल रहा है मैग्मा वो बहुत तेजी से ठंडा होता है, जो अंदर का मैग्मा है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, जिस और उसे हम कहते हैं ठंडा होके ये भी जम जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा और जमेगा, इसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स जो होती हैं, वो जो मैग्मा जमा होता है वो बहुत तेजी से ठंडा होता है, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, और जो इंट्रूसिव रॉक्स है इसके पार्टिकल्स मोटे होते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ये बाहर निकला इसलिए वो बहुत तेजी से ठंडा हो गया, ये धीरे धीरे जम ठंडा होने और जमने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपने कभी देखा होगा गुड़ या चीनी की कोई चीज बनते हुए, जो गुड़ या चीनी से ही बन रही है तो वो क्या होता है, बहुत तेजी से आप देखोगे उसमें उबाल आ रहा है, ठीक है, वो लिक्विड हो गया, आप उसे सॉलिड रूप में डाल रहे हो गुड़ को या चीनी को, और वो क्या हुआ, वो लिक्विड रूप में हो जाता है गर्म होके, और बहुत गर्म भी होता है, हाथ में कहीं भी जरा सा लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम तो आपको हर चीज से, मतलब गर्म चाय है, गर्म दूध है, पानी है सबसे, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ठीक है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर लिक्विड चीनी या फिर गुड़ है तो वो क्या होता है, अगर उसे हम निकालें, वो बॉयल हो रहा है बहुत तेजी से, उसे हम बाहर निकालें तो बहुत ही तेजी से वो क्या होता है, ठंडा होता है और जम जाता है। सेम वही चीज यहाँ है, वो मैग्मा जो बाहर निकलता है वो बहुत तेजी से ठंडा होता है और जम जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो जो बॉयल हो रहा होता जैगरी एंड शुगर जो है, वो भी हम देखेंगे कि बहुत तेजी से वो ठंडा होता है, यानी कि जो हमारा करछी या फिर स्पून जो है उसमें भी हम देखेंगे, अगर उसमें भी है तो बहुत तेजी से ठंडा होता है अगर वो बाहर निकला, या फिर हम किसी जगह उसको हल्का सा गिरा के ही देखें वो बहुत तेजी से जम जाता है। तो उसी तरह ये हमारी रॉक्स जो है वो भी बनती है कि वो मैग्मा बाहर निकला और वो बहुत तेजी से क्या हुई, ठंडी हुई और जम गई, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या है, और इंट्रूसिव भी हमने समझ लिया कि कुछ मैग्मा जो बाहर नहीं निकला वो अंदर ही अंदर फैल के और क्या होता है, ठंडा हो जाता है। जैसे अगर आप कहीं पे पानी ही डाल रहे हो, किसी मिट्टी में पानी डाल रहे हो, तो एक गड्ढा आपका बना है उसमें पानी है, कुछ अगल बगल भी पानी चला जा रहा है, तो ये जो बाहर निकला वो तो तेजी से निकल रहा है, बट मतलब कि जो और पानी आप डाल रहे हो वो उस जगह पे तो ज्यादा है, बट जो अगल बगल जा रहा है वो धीरे धीरे रिस के जा रहा है, मतलब उसको अगर स्पेस मिल रहा है तो सेम वही टेक्सचर, वही कह सकते हैं स्ट्रक्चर यहां भी हमें दिखेगा। तो जो अंदर की तरफ फैल गया मैग्मा वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और वही हो गया हमारी इंट्रूसिव रॉक्स, एंड जो बाहर निकला तेजी से ठंडा हुआ वो हमारी हो गई एक्सट्रूसिव रॉक्स। आइए देखते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, व्हेन लिक्विफाइड लावा कम्स टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, ठीक है, तेजी से क्या होता है, मैग्मा जो है तेजी से ठंडा हो रहा है, सॉलिड हो रहा है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एंड इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट, एंड हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो मैक्सिमम इसी से ही बना है, वो एक्सट्रूसिव रॉक्स का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स क्या है, समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड, cools down deep inside the earth's crust, solid rocks so formed are called intrusive rocks। इसका example देखें तो वो है granite।
चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल किसी भी चीज का साइकिल अगर समझ रहे हैं तो मतलब ये कि उसका कोई एक फॉर्म है, एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में गया, फिर तीसरे में गया, मतलब वो अलग अलग उसमें चेंज हुआ, चेंज होके वापस से क्या हुआ, वो वापस से अपने पहले फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से साइकिल जो है वो चलती रहती है। रॉक साइकिल की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है वाटर साइकिल एंड फूड चेन। जिस तरह से ये चेन कह रहे चल रही तो उसे हम फूड चेन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो रॉक साइकिल की अगर हम बात करें तो रॉक साइकिल में क्या है कि ये हमारा वॉल्केनो एंड उसमें लिक्विड मैग्मा जो होता है वो है। ये मैग्मा क्या हुआ, बाहर आया, ठीक है। ये मैग्मा जब बाहर आता है तो क्या होता है, बहुत जब वो अर्थ क्रस्ट पे आता है तो अर्थ क्रस्ट पे आने के बाद बाहर का टेम्परेचर वगैरह पाके वो बहुत तेजी से ठंडा होता है और जम जाता है, जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। ये बाहर निकला, ठंडा हुआ, जम गया, उसे हमने क्या कहा, इग्नियस रॉक, क्योंकि वो इग्नियस रॉक का रूप उसने ले लिया। मैग्मा जो था बाहर निकला, ठंडा, जम हुआ, जम गया, तो एक रॉक के रूप में आ गया, जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। अब ये इग्नियस रॉक डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से क्या होता है, सेडिमेंट्स में टूट जाता है, कहीं लुढ़क के हुआ या फिर हवा से, पानी से, किसी तरह करके वो पार्टिकल्स में चेंज हो गया। अब ये इग्नियस रॉक्स क्या है, वो चेंज हो गए। अब ये पार्टिकल्स फिर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा क्या हुआ, कहीं पे ये इकट्ठा होने लगते हैं। अब ये इकट्ठा होते हैं, इन पे प्रेशर वगैरह पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, जम जाते हैं। इग्नियस रॉक्स टूटी, टूटकर सेडिमेंट्स में आई, ये सेडिमेंट्स क्या हुए कि जम गए एक टाइम के बाद, और वहां क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि पहले तो वो पार्टिकल्स में है, अब वो क्या हुआ, वो सॉलिड बन गया, जम गया, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, इन पे जब प्रेशर पड़ता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से वो क्या होता है, उनका रूप चेंज हो जाता है, उनका यानी कि फॉर्म चेंज हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक पे अगर प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो बढ़ा, तो क्या होगा, वो उसका रूप चेंज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, फिर से इन पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्या होती है, मेल्ट होती हैं और मैग्मा का रूप ले लेती है, ठीक है। मैग्मा का, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुई, ये मेल्ट हो गई। मेल्ट होकर इसने क्या किया, मैग्मा का रूप ले लिया, और फिर से वही प्रोसेस चलेगा कि वही मैग्मा फिर से निकला और इग्नियस रॉक बन गया। तो अगर हम बात करें कि रॉक साइकिल क्या है, तो रॉक साइकिल में यही चीज समझ में आया हमें कि मैग्मा जो है वो बाहर निकला, जो कि जल्दी से ठंडा हुआ और सॉलिड बन गया, और उसका रूप जो है वो इग्नियस रॉक का रूप ले लिया। इग्नियस रॉक टूटी, पार्टिकल्स में हुई, वो पार्टिकल्स इकट्ठा हुए, उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले लिया। ये सेडिमेंट्री रॉक क्या हुए कि फिर इन पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से वो मेटामॉर्फिक का रूप ले लिया। मेटामॉर्फिक जो है उस पे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि वो मैग्मा का रूप उसने ले लिया, मतलब वो मेल्ट हो गया, मैग्मा का रूप ले लिया, और वापस से फिर वो मैग्मा बाहर निकला और इग्नियस रॉक बनने लगी। दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप। देखिए, एक टाइप की रॉक जो है वो दूसरे टाइप में, यहां हमने देखा ना, इग्नियस से, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, तो क्या हुआ कि रॉक जो है एक रूप से दूसरे, वन टाइप ऑफ रॉक, एक टाइप की रॉक जो है वो दूसरे टाइप में किसी कंडीशन में, सर्टेन कंडीशन जो है उसमें एक साइकिल मैनर में वो चेंज होती है, जिसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। इसे क्या कहते हैं, रॉक साइकिल के नाम से समझते हैं या जानते हैं। इसी तरह अगर हम बात कर रहे थे अभी वाटर साइकिल, अगर उससे अगर हमें वो याद है तो हम इसे भी समझ सकते हैं। वाटर साइकिल तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा, हमने इसे नहीं पढ़ा होगा, या फूड चेन हमने पढ़ा होगा, ये चीज जो है वो हमारे लिए नई हो सकती है, ठीक है। कि रॉक, एक रॉक से दूसरे रॉक, रॉक का जो रूप है वो चेंज हो रहा है, तो ये हमारा हो गया रॉक साइकिल। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के यूजेस बताने हैं। तो रॉक्स के यूजेस अगर हम बात करें तो रॉक्स चट्टाने ऐसे ही दिखती हैं, उसे क्या किया जाता है, अलग अलग रूप दिया जाता है, अलग तरह से तराशा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसके बहुत सारे यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे, बात करते करते क्या होगा कि आपके भी दिमाग में आता जाएगा, हाँ उसका ये भी यूज है, ये भी यूज है, तो आपको पॉइंट जो है वो मिलते जाएंगे कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ रॉक्स इन आवर लाइफ।
द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स हाउसेज बिल्डिंग्स टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स स्टैचूज एक्सेट्रा. तो स्टैचूज देखते हैं जगह जगह लगी होती हैं, वो भी हम देख सकते हैं, या फिर मतलब वो भी बने होते हैं, या फिर जो टेम्पल में देखते हैं गॉड के स्टैचूज वगैरह होते हैं कुछ भी, या छोटे छोटे स्टैचूज वगैरह भी हमारे घरों में होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, इन्हीं रॉक से बनते हैं, टेम्पल्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, रोड्स वगैरह में यूज होते हैं. तो ये सारे क्या, इन रॉक्स की हेल्प से बनते हैं. स्टोन आर यूज बाई चिल्ड्रेन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. बच्चों के बहुत सारे खिलौने जो होते हैं वो बनते हैं इनसे. दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग टॉयज, मेकिंग डेकोरेशन आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सारे जो होते हैं वो इनकी हेल्प से बनते हैं. कुछ ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, इयररिंग्स वगैरह होती हैं वो भी इनसे बनते हैं, हल्के इयररिंग्स वगैरह जो होते हैं वो भी इनसे बनते हैं, तो वहां भी इसका यूज होता है. उसके अलावा आजकल तो टेबल्स वगैरह भी काफी इससे बनने लगी हैं, तो इनका यूज हम देखते हैं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है. बहुत जगहों पर इसको यूज किया जाता है, बच्चों के खिलौने भी बनते हैं, शोपीस बहुत सारे होते हैं वो इनकी हेल्प से बनते हैं. अलग अलग तरह से उनकी कटाई छटाई करके तराशा जाता है और उनको अलग अलग तरह से यूज किया जाता है. तो इस तरह रॉक का जो यूज है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स ये है जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है कि वहां पर हीट जो है वो बहुत ज्यादा है, प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है. ठीक, तो जो हम मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, जो हमारी इग्नियस एंड सेडिमेंट्री अग्नि और अवसादी जो शैल है उनपे जब क्या होता है, इग्नियस एंड इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उनपे जब प्रेशर और हीट जो है वो पड़ती है ज्यादा, तो वो क्या होता है, दूसरे रूप में ही कन्वर्ट हो जाता है. जिस रूप में वो कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है उनपे जब हीट एंड प्रेशर जो है वो पड़ता है तो क्या होता है, वो उसका रूप जो है वो चेंज हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है. किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में वो कन्वर्ट हो जाता है. चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर पे टिक करना है. इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रॉक विच इज मेड अप टू मॉल्टन मैग्मा इज, रॉक जो कि मॉल्टन मैग्मा से बनती है उसे क्या कहते हैं. चलिए आइए देखते हैं कौन सी रॉक है जो कि मॉल्टन मैग्मा से बनती है. ए है इग्नियस, बी सेडिमेंट्री एंड सी है हमारा मेटामॉर्फिक. तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ध्यान करिएगा, जो वॉल्केनो होता है वॉल्केनो से मॉल्टन मैग्मा निकलता है. वॉल्केनो हुआ ये, मान लीजिए वॉल्केनो, वॉल्केनो को बहुत अच्छा पिक्चर नहीं है, मान लीजिए वॉल्केनो ये है, वॉल्केनो से क्या होगा, वॉल्केनो से निकलेगा मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा निकलेगा उससे कौन सी रॉक्स बनती है, उससे रॉक्स जो बनती है वो कौन सी होती है, इग्नियस. मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है वॉल्केनो से और उससे क्या होता है, वो जब जम जाता है उससे हमारा बनता है इग्नियस, जो हमारी रॉक है वो बनती है. सेकंड पे आते हैं, सेकंड हमारा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, ए है क्रस्ट, बी कोर एंड सी हमारा है मेंटल. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसे डिस्कस किया था, अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी. इनर मोस्ट लेयर आपको याद होगा, फर्स्ट जो हमारी थी क्या थी, वो क्रस्ट थी, सेकंड क्या थी, मेंटल थी, एंड जो इनर मोस्ट जो आंतरिक थी, थर्ड लेयर जो हमारी थी वो क्या थी, कोर. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की इनर मोस्ट जो लेयर होगी वो क्या होगी, वो होगी कोर. नेक्स्ट हम आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इसमें गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ. कोल पेट्रोलियम एंड गोल्ड जो है किसके एग्जांपल है, रॉक्स मिनरल्स एंड सी हमारा फॉसिल्स. क्या फॉसिल्स में आते हैं या रॉक्स में आते हैं या मिनरल्स में आते हैं. गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल जो है वो हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, वो हमारे एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के. ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, रॉक्स विच कॉन्टेंस फॉसिल्स और, कौन सी रॉक्स होती हैं जिनके कंटेंट्स जो होते हैं वो फॉसिल्स, कौन सी रॉक्स में जो फॉसिल्स के कंटेंट्स होते हैं. आइए देखें, ए है सेडिमेंट्री रॉक्स, बी मेटामॉर्फिक एंड सी है इग्नियस. तो इग्नियस जो है वो हमने अभी उस पर उसे डिसाइड किया, डिस्कस किया उसे हमने कि वो कहाँ से है, वो जो हमारा
वॉल्केनो होता है उससे जो मॉल्टन मैग्मा निकलता है उससे हमारी इग्नियस रॉक्स बनती है, और बात हो रही है मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, तो जो सेडिमेंट्री एंड इग्नियस जो होती हैं वो क्या होता है उसका बदला हुआ रूप होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स विच कॉन्टेंस फॉसिल्स, जो रॉक्स जिनमें की जो कि फॉसिल्स के कॉन्टेंट्स होते हैं अगर उनकी बात करें तो वो हमारी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है यानी कि अवसादी शैल जो है वो उनमें क्या होता है उसमें फॉसिल्स के कॉन्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की थिनेस्ट लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, ए है क्रस्ट, बी मेंटल एंड सी है कोर। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे कहाँ पे कौन सी लेयर आती है, कौन सी फर्स्ट लेयर है, कौन सी सेकंड है एंड कौन सी थर्ड है, यानी कि कौन सी अपर है एंड कौन सी इनर है और कौन सी मिडिल में है। ठीक है, ये हम ध्यान करेंगे। थिनेस्ट लेयर कौन सी है उस पर हमने डिस्कस किया था, थिनेस्ट लेयर कौन सी है, जो सबसे ऊपर की लेयर है वो हमारी सबसे थिनेस्ट लेयर है जो कि करीब 35 किलोमीटर तक होती है, जिसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया था क्वेश्चन नंबर वन में कि जो ऊपर की लेयर है वो अर्थ की सबसे थिनेस्ट लेयर, वो सबसे पतली लेयर है, थिनेस्ट लेयर है वो अर्थ की जो कि 35 किलोमीटर तक होती है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, थिनेस्ट लेयर कौन सी होगी, क्रस्ट मेंटल कोर, सबसे ऊपर की जो हमारी लेयर थी वो कौन थी, वो थी क्रस्ट। तो राइट आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है किससे किसका, आइए देखते हैं। वन साइड पे कोर मिनरल्स रॉक्स क्ले एंड सील, अदर साइड पे हमारा है अर्थ सर्फेस यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, सी है मेड ऑफ सिलिकन एंड एल्यूमिना, हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इनर मोस्ट लेयर changes into slate, process of transformation of the rock। ठीक है, देखते हैं किससे किसका मैच है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा है कोर। कोर को किससे मैच कराएंगे हम, कोर के बारे में अगर हम सोचें तो कोर के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है। कोर क्या थी, अर्थ की लेयर थी, कौन सी लेयर थी, क्या वो अपर थी या मिडिल थी या फिर इनर थी, वो थी इनर मोस्ट। आपको याद होगा कि जो कोर थी वो क्या थी, इनर मोस्ट। फर्स्ट लेयर क्या थी, वो थी क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। कोर को मैच कराएंगे हम ई से, इनर मोस्ट लेयर, अर्थ की इनर मोस्ट लेयर जो कि कोर। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है, मिनरल्स का एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है, तो मिनरल्स को हम किससे मैच कराएंगे, हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन यानी कि डी से। रॉक्स, रॉक्स क्या था, अगर इनमें से देखें तो रॉक्स के लिए कौन एलिजिबल है, रॉक्स के लिए है यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, है ना, क्योंकि रॉक्स का यूज होता है रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने में और बहुत सारी चीजें जो है वो उससे बनती हैं। तो रॉक्स जो है यूज्ड फॉर, रॉक्स को हम मैच कराएंगे यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। फिर क्ले, क्ले क्या होता है, क्ले जो था वो चेंज हो जाता है किसमें, स्लेट में, क्ले changes into slate, ठीक है, Cl, Cl की अगर हम बात करें तो ये कौन क्या हुआ, इसका मैच किससे होगा, इसका मैच होगा मेड ऑफ सिलिकन एंड एल्यूमिना। क्यों होगा, क्योंकि Cl Si से क्या हो गया, अगर हम इसे तोड़ के देखेंगे Si क्या हो गया हमारा, सिलिकन हो गया एंड Al हो गया एल्यूमिना, तो सिलिकन एंड एल्यूमिना से जो बना वो क्या हो गया Cl, तो Cl को मैच कराया हमने C से, मेड ऑफ सिलिकन एंड एल्यूमिना। दो ऑप्शंस आपके और बच रहे हैं बट इस साइड पे कुछ नहीं है तो उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अच्छा है, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस हो गए कि जो आप लास्ट में बाकी चार आपको पता है, लास्ट वाले को तुक्का मार के सही कर लेना है कि वो तो उसके लिए बचा है, फिर मैच करा देंगे बट इनका कोई पार्टनर नहीं मिला तो इसे हम नहीं मैच करा रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है गिव रीजंस, आपको रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्यों। चलिए आइए इसमें देखते हैं कि फर्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के सेंटर तक नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते हैं। तो अगर बात करें तो अर्थ का जो सेंटर है वो बहुत ज्यादा गहराई में है, सबसे पहली चीज की बहुत गहराई में, अगर उसे वहां पहुंचना होगा तो वहां पर जो गड्ढा करना होगा तो वो करीब होगा 6000 किलोमीटर, इतना गहरा गड्ढा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अर्थ का जो हम सेंटर है वो वहां पर क्या है, वो लिक्विड लिक्विड फॉर्म में है, और जो कि बहुत वहां पर टेम्परेचर की बात करें, वहां पर टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां तक किसी का भी पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ के सेंटर तक हम क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो वो बहुत ही गहरा है, दूसरी बात ये कि
वहाँ का टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां पर किसी का भी पहुंचना मुश्किल है, मतलब कोई पहुंच नहीं सकता वहां। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अ बॉल ऑफ फायर, ठीक है, बॉल ऑफ फायर इन इट्स लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में वो आग का पूरा गोला है, इस वजह से वहां पर नहीं पहुंच सकते। दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सेंटर ऑफ द अर्थ आर सो हाई दैट ह्यूमंस कैन नॉट रीच देयर, वहां पर टेम्परेचर वगैरह बहुत ही हाई है कि इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो सेडिमेंट से बनी होती हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स का ही कह सकते हैं अगला रूप है सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए रीजन बताते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट से बनी होती हैं। क्या होता है, जो इग्नियस रॉक्स हमारी बनती हैं तो वो रॉक्स जो होती हैं क्या वो लुढ़क कर या फिर टेम्परेचर वगैरह की वजह से चटक कर एक दूसरे से टकरा कर किसी भी तरह से वो क्या होती हैं टुकड़ों में टूट जाती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में सेडिमेंट्स में वो टूट जाती हैं, और वो टूटे हुए सेडिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कहीं पर जाकर कलेक्ट होते रहते हैं एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, बाई एयर बाई वाटर वो क्या होते हैं कलेक्ट होते रहते हैं, जहां पर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पाके वो क्या होते हैं वो सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं। देखिए उन पर दबाव पड़ता है, कोई भी चीजें पहले वहां पर थोड़े सेडिमेंट्स पहुंचे फिर और पहुंचे, करते करते क्या होगा ऐसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, किसी भी चीज की अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो क्या होगा नीचे दबाव पड़ रहा है तो उस पर क्या हुआ प्रेशर पड़ा, वो कंप्रेस्ड हुआ, कंप्रेस्ड होकर वो क्या हुआ उन्होंने एक रॉक का रूप ले लिया, चट्टान का रूप ले लिया। रॉक्स आर रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट दैट दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो क्या होता है जो रॉक्स होती हैं चटकती हैं टूटती हैं लुढ़कती इस तरह करके क्या होती है उन सेडिमेंट्स का रूप ले लेती हैं, जिसे हम उन पार्टिकल्स को क्या क्या कहते हैं मतलब वो पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। अब ये जो सेडिमेंट्स है दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड, ये क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड डिपॉजिट होते हैं बाई एयर बाई वाटर, वो क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं और कहीं पर वो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाई विंड वाटर एक्सेट्रा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कहीं पे डिपॉजिट होते हैं और कंप्रेस्ड होते हैं और फिर वो फॉर्म लेते हैं किसका एक हार्ड लेयर का फॉर्म लेते हैं जिसे कि हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सो द डीप डिपॉजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन दिस वे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये डिपॉजिशन जो है वो क्या होता है सेडिमेंट्स का डिपॉजिशन जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले लेता है, कंप्रेस्ड होने की वजह से कंप्रेस्ड होता है और वो सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले लेता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, रीजन बताना है क्यों, क्योंकि लाइमस्टोन क्या है लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक का क्या अगर क्वालिटी की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक की क्या क्वालिटी होती है कि सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एंड हीट की वजह से, वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में, क्यों प्रेशर और हीट की वजह से। तो अगर हम लाइमस्टोन की बात करें लाइमस्टोन क्या है वो भी सेडिमेंट्री रॉक है, जब उस पर प्रेशर और हीट पड़ता है तो वो क्या हो जाता है वो चेंज हो जाता है मार्बल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें मोस्टली यूज्ड होने वाले मिनरल्स आपको बताने हैं। तो ये पिक्चर आप देखोगे यहाँ पे क्या है कराही है पैन तवा ऑर्नामेंट बेल है हैमर है एंड लैम्प है, ठीक है, आपको बताना है इनमें यू कॉमनली जो मिनरल्स यूज होते हैं उनका नाम बताना है। सबसे पहले बात करेंगे हम कराही, कराही किसकी होती है आयरन की भी होती है स्टील की भी होती है एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है, कॉपर है, तो इनकी हमारी हो गई कराही। नेक्स्ट है पैन एंड तवा, यहाँ पे पैन एंड तवा जो कि आयरन का भी होता है स्टील के भी होते हैं और एल्यूमिनियम के होते हैं, एल्यूमिनियम की है स्टील है स्टील की अगर हम बात करें कौन से मिनरल से बनता है स्टील, जो हमारा आयरन ओर निकलता है आयरन ओर से मैक्सिमम क्या किया जाता है आयरन बन जाता है और उसी में क्रोमियम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा स्टील बन जाता है। तो इसमें यूज होने वाले जो मिनरल्स हैं हमारे जो हो गए आयरन स्टील एंड एल्यूमिनियम, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है ऑर्नामेंट्स, जो कि यहाँ पर है। ऑर्नामेंट्स किसके होते हैं? गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या है, ये मिनरल है, गोल्ड एंड सिल्वर, उसके बन गए ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, बेल है। बेल किसका होता है? गोल्ड का भी होता है, सिल्वर का होता है, ब्रास होता है। ब्रास क्या है? ब्रास की अगर बात करें तो कॉपर एंड जिंक जो है उसे मिलाकर क्या बन जाता है? ब्रास बन जाता है। कॉपर और जिंक हमारे मिनरल है, उससे क्या बन जाता है? ब्रास बन जाता है। तो बेल हमारा हो गया ब्रास, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड हैमर, हैमर की बात करें तो स्टील, आयरन एंड ब्रास, इनका ये बनता है। तो हैमर हमारा हो गया, ठीक है। लैंप है, लैंप लास्ट वाला हमारा लैंप है। लैंप क्या है? सिल्वर से, सिल्वर के होते हैं, गोल्ड के होते हैं, ब्रास के होते हैं, पीतल के लैंप वगैरह होते हैं ना, तो वो होते हैं जिसे हम पीतल कहते हैं। तो ब्रास हो गया। ब्रास हमने बात की कि ब्रास क्या है। ब्रास है दो मिनरल्स का कंपोजिशन, कॉपर एंड जिंक का कंपोजिशन हो गया हमारा, ब्रास हो गया। तो ये हमारे मिनरल्स हो गए ब्रास, सिल्वर एंड गोल्डन गोल्ड। नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सम मोर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। डिफरेंट मिनरल्स से बनने वाले आपको बताने हैं ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे इसमें ये फॉर फन है तो इसमें कुछ आपको भी करना होगा। चलिए कुछ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेफाइट हमारा मिनरल है, उससे क्या बनता है? उससे हमारी पेंसिल की नोक बनती है, लेड बनती है, ग्रेफाइट हो गया। कॉपर है, उससे वायर्स वगैरह बनते हैं बहुत सारे। और अगर हम बात करें लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से क्या बनता है? चौक बनता है। तो ये सारे मिनरल्स हैं अदर, जिनसे कि हमारी और चीजें बनती हैं। बाकी आप इसमें और कुछ डाल लीजिएगा, देखिए आपके लिए मैंने प्लेस छोड़ रखा है। हमने इस पे डिस्कस कर लिया, आगे प्लेस आपके लिए छूटा है, ये आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों इस तरह हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नर हब। लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है।